न्यू ईयर न्यू सेटअप टूर। मैंने अपने इस सिंपल से बेडरूम को एक गेमिंग रूम में कैसे चेंज कर दिया, इस चीज की जर्नी तो आप लोगों ने देखी ही है। बट जैसे ही 2022 नया साल शुरू हुआ, वैसे ही शुरू हुई मेरे अंदर एक खुजली। नहीं, वो वाली खुजली नहीं, खुजली इस पूरे सेटअप को एक नया फ्रेश लुक देने की। सबसे बड़ा चेंज जो इस स्टूडियो में हुआ है वो ये कि पहले मैं अपना कंसोल टेबल और गेमिंग पीसी डेस्क दोनों साथ साथ चिपका कर रखता था, जिस वजह से आप लोगों ने अक्सर मुझे इस बैकग्राउंड के साथ देखा होगा। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने गेमिंग पीसी की लोकेशन टोटली चेंज कर दी है और अब आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में कभी भी मेरा गेमिंग पीसी और मेरे गेमिंग कंसोल्स एक साथ नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले ये गेमिंग कंसोल वाला एरिया ही देख लेते हैं जो ठीक इस वक्त मेरे पीछे है। इस टेबल से मैंने अपनी प्लेस्टेशन 4 फैट और PS4 प्रो ये दोनों हटाकर अलमीरा में संभाल के रख दी है, क्योंकि उन दोनों को रिप्लेस कर लिया है मेरी प्लेस्टेशन 5 ने। और यहाँ पर मैंने एक Xbox सीरीज X भी रखी हुई है। रिलैक्स गाइज, ये बस एक लैम्प है जिसको मैंने Xbox के एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया था। बट PlayStation 5 के अलावा मैंने यहाँ पर अपनी Xbox One S भी रखी हुई है, सो दैट जब मुझे Xbox के बारे में कंटेंट बनाना हो तो ये गेमिंग कंसोल मेरी हेल्प करेगा। और ये जो टीवी है ये एक 43 इंचेस का 4K HDR टीवी है। अब चलते हैं फटाफट से गेमिंग पीसी वाले एरिया की तरफ। तो अभी जहाँ पर मेरे गेमिंग कंसोल्स पड़े हैं ना, उस वाली वॉल के ठीक ऑपोजिट है ये वाली वॉल, एंड इसी के आगे मैंने अपना पूरा गेमिंग पीसी वाला सेक्शन बना दिया है। एंड ये है मेरे घर का मंदिर, एंड आप देख सकते हो कि मुझे RGB का कितना शौक है, क्योंकि मंदिर के अंदर भी मैंने RGB लाइट्स लगा रखी हैं। मेरे पास ऑप्शन था मंदिर को भी दूसरे रूम में शिफ्ट करने का, बट मैंने सोचा नहीं यार, मंदिर को तो इसी रूम में रखना है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं सभी वीडियोस बनाने से पहले, ऐसा लगता है कि ये वीडियो तो 1 मिलियन व्यूज जरूर हिट करेगी। करवा दो यार। नहीं। और सच बोलूं तो गेमिंग पीसी को इस वॉल के आगे शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैं आज अपने गेमिंग पीसी सेटअप के अंदर एक बहुत बड़ा अपग्रेड भी करने वाला हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी खुली स्पेस चाहिए थी। एंड वो अपग्रेड है एक ब्रांड न्यू मॉनिटर, क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टिंग मॉनिटर है ये सिर्फ एक 75 हर्ट्ज का पैनल है और खासकर ई स्पोर्ट्स में मुझे ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं एक ब्रांड न्यू मॉनिटर ऐड करने वाला हूं अपने गेमिंग पीसी सेटअप के अंदर, जिसका रिफ्रेश रेट इस वाले मॉनिटर से ऑलमोस्ट 100 ज्यादा है, 165 हर्ट्ज। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो जो गेमिंग मॉनिटर मैं अपने गेमिंग पीसी सेटअप के अंदर ऐड करने वाला हूं वो लेनोवो की तरफ से आने वाला एक 24 इंचेस का गेमिंग मॉनिटर है। इसका मॉडल नंबर है G24-20 और ये एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला IPS पैनल है। तो ये आप लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट्स में 18,000 से 19,000 के बीच में मिल जाएगा, और जिन स्पेसिफिकेशंस का ये मॉनिटर है उस हिसाब से प्राइस थोड़ा ज्यादा है नो डाउट। आज से पहले मेरा IPS पैनल्स के मामले में ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि IPS पैनल्स के जो कलर्स होते हैं वो TN पैनल और VA पैनल्स के मुकाबले डल होते हैं, बट इस मॉनिटर ने मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज कर दिया है, क्योंकि ये एक IPS पैनल होने के बावजूद भी इतने पंची इतने वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है कि ये TN और VA पैनल्स को भी टक्कर दे सकता है। एंड बाय द वे ये डिस्प्ले ऑफिशियली AMD प्रीमियम फ्रीसिंग को सपोर्ट करती है, बट क्योंकि मेरे पास एक RTX 2060 है तो जब मैं NVIDIA कंट्रोल पैनल के अंदर गया वहां पर G-Sync का ऑप्शन भी एनेबल्ड दिखा रहा था। Lenovo क्लेम करता है कि इसका G2G रिस्पॉन्स टाइम है सिर्फ 1 मिलीसेकंड IPS पैनल होने के बावजूद भी। सच में यार, Lenovo ने बहुत अमेजिंग काम किया डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में। तो अब चलते हैं इसकी USP की तरफ, यानी कि इसका रिफ्रेश रेट। ये मॉनिटर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स 165 हर्ट्ज पर ओवरक्लॉक होकर मिलता है। देखो, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, जो जंप आप लोगों को 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पर जाने पर फील होगा ना, वो सेम जंप आप लोगों को 120 हर्ट्ज से 144 या 165 हर्ट्ज पर जाने पर फील नहीं होगा। बट ये जिनको पता है उनको पता है। कुछ लोग मुझे पता है कमेंट में पूछेंगे कि भाई क्या इसको PS5 के साथ लगाकर 120 हर्ट्ज पर गेमिंग कर सकते हैं? नहीं, PS5 और Xbox सीरीज X दोनों ही 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं HDMI 2.1 के थ्रू, बट ये मॉनिटर हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है DP यानी कि डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू। इनफैक्ट बॉक्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ एक DP केबल ही मिलती है, HDMI केबल मिलती नहीं है, जिसको मैं नेगेटिव पॉइंट ही मानूंगा,
मेरे हिसाब से ना जितने भी पोर्ट्स होते हैं हर मॉनिटर के पीछे, सभी कंपनीज को वो सारी की सारी वायर्स इंक्लूड करनी चाहिए बॉक्स के अंदर। ज्यादा महंगी नहीं आती है और कस्टमर अलग से खुश होगा। और हाँ, पोर्ट से याद आया, इसके अंदर दो HDMI 2.0 पोर्ट्स हैं, एक DP यानी कि डिस्प्ले पोर्ट है और एक हेडफोन जैक भी है। तो अगर आप अपने PC की बजाय इसके अंदर भी हेडफोन्स लगाते हो तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, इनफैक्ट आउटपुट बहुत लाउड है। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर उस हेडफोन के अंदर माइक भी है तो वो काम नहीं करेगा फिर। और इसकी बैक साइड पर ही सारे बटन्स दे रखे हैं जिसको यूज करके आप इसका मेन्यू एक्सप्लोर कर सकते हो, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर्स ये सब छेड़ सकते हो, डिफरेंट गेमिंग मोड्स में भी स्विच कर सकते हो उन्हीं बटन्स की हेल्प से, जो भी सारा OSD होता है वो ऑपरेट कर सकते हो। आजकल काफी सारे ब्रांड जो है वो अपने मॉनिटर्स के अंदर यहाँ पर एक जॉयस्टिक इंक्लूड करते हैं और वो बहुत ईजी होती है ऑपरेट करनी। हाँ, बटन अगर आगे हो तो फिर भी ईजी होते हैं ऑपरेट करने, बट पीछे वाले बटन तो यार एक अलग ही दिक्कत है। और अगर दिक्कत की बात चली रही है तो इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, वो भी सुन लो। मैं बात कर रहा हूँ ब्राइटनेस के बारे में। Lenovo क्लेम करता है कि इसमें 350 nits की ब्राइटनेस है, बट मेरे रियल लाइफ यूजर्स के बाद मुझे ये पता चला है कि इसके अंदर मैक्स ब्राइटनेस होगी अप टू 250 nits, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा तब बॉदर करेगी जब आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जिसके अंदर काफी डार्क सराउंडिंग्स है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर गॉड ऑफ वॉर खेल रहा था और अगर किसी फाइट सीक्वेंस में डार्क एरियाज आ रहे थे भाई, वहां तो मैं हारता ही हारता था। क्या मतलब है मैं बहाने की तरह यूज कर रहा हूँ इसको भाई, सच में देख लो जाके लाइव स्ट्रीम। सो ये चीज डेफिनेटली कंसीडर करने वाली है, स्पेशली तब जब आप लोगों का जो वर्क फ्लो होने वाला है वो ब्राइटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। तो ये समझ लो कि बहुत अच्छे कलर्स का ये ट्रेड ऑफ है कम ब्राइटनेस। और हाँ, एक चीज और याद आ गई जो कंपनी ने कहीं भी एडवर्टाइज नहीं करी है और इनफैक्ट बॉक्स के ऊपर भी उसका कोई मेंशन नहीं है, और वो है HDR। जी हाँ, ये डिस्प्ले HDR सपोर्ट करती है, ऑल्दो ऑफिशियली सर्टिफिकेशन नहीं है उस चीज का। और आई थिंक अच्छा ये कि Lenovo ने उसको एडवर्टाइज नहीं किया, बिकॉज लेट मी टेल यू कि इससे फाहियात HDR कैपेबिलिटीज मैंने और किसी मॉनिटर या फिर टीवी के अंदर नहीं देखी है। लिटरली कलर्स उड़ गए HDR ऑन करते ही। मैंने पहले फुर्सत में HDR को बोला निकल लो। एक बार इसको असेंबल कैसे किया ये भी देख लो। नीचे का जो बेस है ये वी शेप में दिया हुआ है और ये जो बीच वाला पार्ट है ये बहुत इजीली एक थंब स्क्रू की मदद से नीचे वाले पार्ट में स्क्रू हो जाता है। और फिर इस मॉनिटर को स्टैंड के ऊपर लगाने के लिए आप लोगों को वीसा माउंट का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब कि आप लोगों को ये चार स्क्रूज की मदद से ये स्टैंड लगाना पड़ेगा इस मॉनिटर के साथ। एंड ये मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा, क्योंकि इसकी मदद से आप लोग चाहो तो इसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में भी सेटअप कर सकते हो। तो सपोज अगर आप लोग स्ट्रीमिंग करते हो तो इसको आप अपनी चैट्स पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो वर्टिकली सेटअप करके। और वैसे मुझे नहीं पता कौन 20,000 का मॉनिटर लेगा सिर्फ चैट्स पढ़ने के लिए, नहीं लेते हैं वैसे लोग सच में। और इस स्टैंड की मदद से आप लोग इस मॉनिटर को टिल्ट तो कर ही सकते हो आगे पीछे, उसके साथ साथ आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो और वो मैकेनिज्म काफी सॉलिड है। फाइनली मेरा स्ट्रीमिंग और गेमिंग सेटअप तो तैयार हो गया है। अब मैं आराम से इस डुअल मॉनिटर सेटअप के अंदर हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग तो कर ही पाऊंगा, उसके अलावा स्ट्रीमिंग करते टाइम मुझे चैट्स पढ़ने में और OBS को भी ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वैसे तुम लोगों को पता ना कि मैं रोज रात को 9 से 11 स्ट्रीमिंग करता हूँ, पता भी कैसे होगा यार, मैं वो स्ट्रीमिंग अपने गेमिंग चैनल के ऊपर करता हूँ, चक गेमिंग नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आप लोगों को Lenovo का ये मॉनिटर खरीदने के लिए। डेफिनेटली चेकआउट करना अगर आप लोगों को भी एक बेहतरीन कलर्स वाला IPS पैनल चाहिए हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios।